नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। आज मैं फिर उपस्थित हूं रोजगार पर आधारित एक और नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बिल्कुल ही नया है। इससे पहले हमने फार्मिंग का वीडियो बनाया था, आज भी फार्मिंग का ही है, लेकिन ये फार्मिंग बिल्कुल अलग है। और आज का जो विषय है वो बर्ड फार्मिंग पर है। बहुत सारे फैंसी बर्ड हैं जो लोग पालने का शौक़ रखते हैं, तो ये रोजगार का एक बेहतर साधन भी है। अगर युवा चाहें तो इससे अपना रोजगार भी हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, इसका मांग है। एक सफल किसान है हमारे साथ रोहित जी, इससे पहले भी इनका मैंने वीडियो बनाया था जो कि बर्ड फार्मिंग करते हैं और बहुत सारे बर्ड का ये फार्मिंग करते हैं। तो बारी बारी से हम जानेंगे इनसे कि कैसे इसमें बेहतर स्वरोजगार लोग हासिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका रोहित जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है और सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। तो रोहित जी, बर्ड फार्मिंग करके कैसे लोग रोजगार हासिल कर सकते हैं या कैसे अपना करियर संवार सकते हैं? जी बेशक कर सकते हैं सर, इसमें एक अच्छा स्कोप है। लोगों को जानकारी नहीं रहने के कारण बहुतों को लगेगा कि हट ये क्या चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम चैलेंज करते हैं 200% कि हर फार्मिंग से ये ज़्यादा मतलब सूटेबल है, कम मतलब इसमें मेहनत है और अच्छा मतलब सेलिंग है। सेलिंग के लिए लोग घबराते हैं, सेलिंग के लिए एकदम नहीं घबराएं। हर जगह बर्ड्स का इतना मतलब डिमांड हो रखा है कि पूर्ति नहीं हो पाता है। आप पटना की, हम पटना मेरा ज़िला है, पटना से हम बात कर रहे हैं, मतलब बख्तियारपुर से। पटना में ही इतना बड़ा बर्ड मार्केट है कि आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं कोई भी स्टॉक का, तो आगे की तो सोचना ही मतलब मुश्किल है। और कोई भी युवा इससे जुड़ के अच्छा स्कोप बना सकते हैं, अच्छा मतलब पालन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनके पास पूंजी रहनी चाहिए, सब्र। क्योंकि लोग आज हर काम में घुस रहे हैं तो सोचते हैं कि एक बैग सफलता तो ऐसा मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बात पर तो मैं ही आपसे सहमत हूँ कि आज के जो युवा हैं जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी रिजल्ट खोजते हैं। जो युवा किसी भी बिजनेस में जो नुकसान का मुँह देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है उतावलापन। तो इस पर एक मैसेज दे दीजिए युवाओं को कि कैसे अपने आप को संयमित रखें। जी सर, जैसा सर ने कहा कि हाँ, कोई भी अगर युवा कुछ अगर जुड़ रहे हैं इसमें, बर्ड्स फार्मिंग में, डॉग फार्मिंग में, गॉट फार्मिंग में, तो एक्सपर्ट से पूरी जानकारी लेकर, या कोई अगर अगले उस तरह से हैं तो उनसे पूरी जानकारी लेकर ही जुड़ें। और सब्र सबसे बड़ी पूंजी है, सब्र रखें। अगर सोचिएगा कि आज के आज हम मतलब प्रोग्रेस कर जाएं, तो ऐसा कोई लाइन नहीं है भैया। अगर आप भी जा रहे हैं जॉब वगैरह में भी, तो आपकी जॉब सैलरी जो है वो 5,000-6,000 से स्टार्ट होती है, तभी जाकर वो 20,000 बनता है। उसी तरह से कोई भी काम में जुड़ते हैं तो सब्र रख के कोई भी युवा कर सकते हैं। और बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में काफ़ी ऐसे बर्ड्स हैं फैंसी जो आपका घर में ब्रीडिंग करेगा, घर में खूब अच्छे से इनके बच्चे होंगे, घर में इसका आप मतलब ब्रीड करा के सेल्फ मतलब खुद पर आधारित रह के इसको सेलिंग कर सकते हैं। किसी के लिए सोचना नहीं है, किसी को भी, जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं, कोई भी जुड़े हुए हैं इस लाइन से, अगर सेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो बेशक एक बार हमें कॉल जरूर करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा इनको हम गारंटी देते हैं 200% की। एक और बात है सर कि ये जो व्यवसाय है, हमें लगता है कि गृहिणियां बहुत ही बढ़िया से इसको कर सकती है। एकदम कह लीजिए तो ये बच्चों और लेडीज़ का रोजगार है। बढ़िया से उनके जेंट्स बैठा के सेटअप बना के अच्छा से दे दें, और इसमें कुछ भी नहीं है, दाना पानी कीजिए और कहीं भी चले जाइए, 2 दिन का भी स्टॉक दाना दे दीजिए। मेरा फॉर्म है, हम कहीं जाते हैं तो 2 दिन का स्टॉक दाना दे के चले जाते हैं, निश्चिंत होकर खाती रहती है, निश्चिंत होकर ये लोग अपना जो भी फॉर्म है उसमें ही करना है। इसका ना बच्चा को देखना है ना कुछ भी करना है, बीच बीच में विजिट करते रहना है, वो सारा काम खुद करेगा। जब आपका बच्चा सेल्फ होके आ गया नीचे, तो वो सेल के लिए आपका तैयार है, सेल कीजिए आराम से। कहीं भी कोई भी इलाका में रह के आप ये काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे बर्ड है रोहित जी, तो हम सिर्फ एक कबूतर को ले लेते हैं जी, इससे लोगों को अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितनी हमारी इनकम हो सकती है। तो अगर हम 50 बर्ड को ये लड़का रखना चाहे, 50 बर्ड से अपना ये फार्मिंग शुरू करें, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुरंत उसको इनकम होना चाहिए 6 महीना या 1 साल के बाद, महीने का लगभग कितना इनकम उसको हो सकता है? सर 50 बर्ड से अगर कोई स्टार्ट करेंगे, लेकिन नए व्यक्ति को तो हम सलाह नहीं देंगे, आप 10 बर्ड से स्टार्ट कीजिए। और 10 बर्ड से स्टार्ट कीजिए तो कबूतर में आ जाइए, तो कबूतर में वेराइटी है, बहुत सारी वेराइटी है, महंगी से महंगी, लेकिन सस्ता से स्टार्ट कीजिए। अभी ये लक्का की बात कर लीजिए, लक्का कबूतर जो फैंटेल होते हैं, मोरपंखी होते हैं,
ये अगर आप चिक्स स्केलर हैं तो ये 6 महीने में सेल्फ होंगे जाके। सेल्फ होने के बाद एक पेयर से आप 1 महीना में 2 बच्चे ले सकते हैं। 2 बच्चे लेके उसका मार्केट वैल्यू है, अगर छोटा बच्चा बेच रहे हैं तो 1800 से 1900 रुपया 2000 के रेंज तक के इसका मार्केट वैल्यू है। कभी गिर जाता है मार्केट तो 1500 भी होता है, लेकिन 1500 से कम हम आज तक नहीं देखे हैं। तो एक बर्ड से आप महीने में 1500 ले सकते हैं। खर्च की बात कर ली जाए तो ये गेहूँ या मतलब मक्का या राई वगैरह ये कितना क्या खाती है, बहुत खाएगी तो एक दिन में 100 ग्राम बस। कोई भी खर्च टाइप से नहीं है और इसका मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, और साथ ही इस काम को जो नौकरी पेशा है या बिजनेस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम भी इसको किया जा सकता है। सुबह में अगर 2 घंटा का समय दे दे और शाम में अगर 2 घंटा समय दे दे तो आराम से इसको किया जा सकता है सर। बहुत बहुत अच्छी बात, और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, बहुत सारे लोग बाढ़ और बख्तियारपुर या पटना कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग या लड़के हैं जो नया युवक हैं, बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं। आधा घंटा आप टाइम दीजिए ना, आधा घंटा टाइम दे के सबको दाना पानी खाना पीना करा के आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कोई भी जॉब वाले लोग हैं या गृहिणी हैं या जॉब वाली लेडीज़ लोग हैं, वो भी कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लोगों को टेंशन हो जाता है सेलिंग, सेलिंग के लिए कभी सोचना ही नहीं, आप पूर्ति ही नहीं कर पाइएगा। बाकी आप आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फॉर्म बनाना है या किस तरह से रख रखाव करना है, ये भी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, तो सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए इसको रखने में, थोड़ा सा ये बता दीजिए लोगों को। जी, सावधानी रखनी चाहिए कि केज आप इस तरह से बनाएं कि केज में बाहरी कोई अवांछित तत्व उसमें प्रवेश ना कर सके। यानी चूहे की बात कर ली जाए, बर्ड्स का सबसे बड़ा मोटा वाला जो चूहा होता है ये दुश्मन होता है। सांप की बात कर ली जाए, सांप दुश्मन होता है। और इसका फॉर्म को हमेशा साफ रखें, साफ सुथरा रखें, इसके जो बीट होते हैं उनको सफाई रखिए, बीच बीच में छिड़काव कीजिए कभी काल। मतलब कोई कोई जो होता है दवा वगैरह चलाते रहिए, इसकी दवा सिंपल आती है, कहीं भी मार्केट में जनरल स्टोर में मिल जाती, जनरल जो मेडिकल स्टोर है उसमें मिल जाती है। और थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है कि मतलब कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रहा, या बच्चे वगैरह जिस मतलब ज़्यादा है किसी में तो उसमें मतलब बदली अदली करना पड़ता है। वो यूट्यूब में आप सारा देख सकते हैं, कोई भी बर्ड्स वीडियो फॉर्म निकाल के देख सकते हैं और उसका रख रखाव की जानकारी भी देख सकते हैं आप। बिल्कुल, और भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बातें हैं तो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो अगर आपके मन में सवाल हो, कुछ भी तरह का सवाल हो तो कमेंट कीजिए, निश्चित आपका रोहित जी जवाब देंगे, हर तरह का गाइडेंस देंगे आपको, जिससे आप सफलता पर इसको कर पाएंगे और बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासी कमाई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा है, सच कहें तो ये बिल्कुल टेंशन फ्री फार्मिंग है, आराम से कर सकते हैं, मांग की कहीं कमी नहीं है। तो जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।